हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना आपका चैनल जीनियस गुरु। सो गाइस, अगर आपने सारे मेथड यूज करके देख लिए हैं और फिर भी आपकी पॉकेट मनी नहीं बन रही है, सो गाइस आप एक बार इस चीज को और ट्राई करें। आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस, ये चीज वर्क करती है। तो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल सर्वे। जी हाँ गाइस, गूगल एक सर्वे देता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, और यहाँ से हम अर्निंग भी करते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, बट जिन लोगों ने नहीं किया है और जिन लोगों ने कर लिया है गाइस, वो इस वजह से परेशान है कि उन्हें सर्वे करने नहीं आ रहे हैं, सर्वे के लिए गूगल सर्वे ही नहीं दे रहा है। तो मैं लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको इतने सर्वे मिलेंगे कि आप कर भी नहीं पाएंगे और जिससे आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले गाइस, ये चार्ट देख रहे हैं आप, 95-94% ऐसे हमारे व्यूअर जो चैनल को विजिट करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, बट गाइस सब्सक्राइब नहीं करते। यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, काफी हर्ट होता है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो को बनाया जाता है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक गूगल सर्वे को पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको कैसे करना है। सिंपल सा मेथड है, आपको ये वाली एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली आपको वहां से डाउनलोड करना है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस मोबाइल की तरफ, और सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद जानेंगे वो 3 टिप्स के बारे में गाइस, जो मैं आपको बताने वाला था, जिससे आपको सर्वे बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिससे अगर सर्वे मिलेंगे तो आप उससे अर्निंग भी ज्यादा करोगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, एंड देन यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल सर्वे। देन मैंने ये ऑलरेडी टाइप कर रखा है और इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आता है गाइस। ठीक है, तो आपको ये सेटअप कर लेना है। सबसे पहले आपको पोस्टल कोड डाल लेना है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो मैं जहाँ से बिलोंग करते हैं वो इंटर कर देता हूँ सिंपल से। ठीक है, तो ये इंटर करने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट एज डालना है, एंड देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्वे टाइप किस में चाहिए, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पे दोनों टिक कर देते हैं गाइस, एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ प्रोसेस होगा, एंड देन आपके सामने आपका ये प्रोफाइल है वो कंप्लीट होने के लिए कुछ प्रोसेस होगा, एंड देन आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे अभी डैशबोर्ड है, यहाँ पे अभी हमें सर्वे मिल जाएगा एक थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाला, तो वेट कर लेते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हमें सर्वे मिल गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, सर्वे इसे हमें कंप्लीट करना है, इसका कोई हमें चार्ज इसका कोई हमें पे आउट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, सर्विस चार्ज के बारे में वगैरह जो भी यहाँ पे लिखा है ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लें, एंड देन यहाँ पे छोटा सा सर्वे होगा, सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है, इसका कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये पढ़ के हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दे रहे हैं। आपको किस तरह की मिठाई पसंद है, इसी सेम टाइप का आपके सर्वे मिलेगा, तो यहाँ पे ये जल्दी जल्दी से आपको कर देना है। क्वेश्चन होंगे गाइस, उसे सॉल्व करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, थैंक यू का एक पॉपअप आ जाएगा, मतलब आपने जो सर्वे था वो कंप्लीटेड कर लिया, अब आपकी डैशबोर्ड प्रोफाइल जो वेरीफाई हो चुकी है। तो अब आ गए हम अपने डैशबोर्ड पे, एंड देन गाइस अब चलते हैं 3 टिप्स की तरफ, जो कि आपको सर्वे कैसे मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस अब बात कर लेते हैं टिप्स की। तो उसमें से नंबर फर्स्ट पे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इस टिप्स में सबसे पहले आपको इसी वाली जो एप्लीकेशन है जो आपने अभी अभी इंस्टॉल किया, उसमें एक सेटिंग्स करनी है, तो वो सबसे पहले कर ले। उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाली एप्लीकेशन जो आपने अभी अभी इंस्टॉल की है, ये आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है 3 डॉट्स पे, एंड देन आपको क्लिक करना है सेटिंग्स वाले आइकन पे, एंड गाइस उसके बाद आपको क्लिक करना है लोकेशन पे। यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करने के बाद, इसके बारे में आपको बेनिफिट बाद में बताऊंगा क्या होगा। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पास एक जीमेल आईडी, जिसे आपको पहले साइन अप किया होगा, वही जीमेल आईडी से, एग्जैक्ट गाइस वही जीमेल आईडी से आपको यहां पे लॉगिन कर देना है, एंड देन यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये लॉगिन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। इससे गाइस क्या होगा कि गूगल आपकी जो लोकेशन है वो ट्रैक करेगा, और जो आपकी लोकेशन है उसी के अप्रोक्स जो भी आपके नियर बाय लोकेशन में जितने भी लोग गूगल सर्च कर रहे होंगे, उनके सर्वे आपको देने लगेगा। लाइक अगर वो कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मान लो अगर वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन या रेडमी में, या कोई क्वेश्चन या कुछ भी, किसी का भी क्वेश्चन कोई रिलेटेड गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज गूगल क्या करेगा, वो अपने इस अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा और देखेगा कि इसके जो बंदा ये सर्च कर रहा है उसके नियरेस्ट कौन सा ऐसा बंदा है जिन्होंने हमारा गूगल सर्वे पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब
अगर आपने वो लोकेशन वहां पे दे दिया तो गूगल आपको वो सर्वे सारे देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल सर्वे लेने के लिए। सो गाइस एक बार इसे भी ट्राई जरूर करना। सो गाइस अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। गाइस इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 टिप्स, ये ऐसी टिप्स बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों टिप्स का यूज करते हो तो आपको सर्वे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो कि आप कर भी नहीं पाओगे। सो गाइस एक बात बताइए यार, आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। ये भगवान क्या जुलूम। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है गाइस, और हम वैल्यूएबल वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं, हम दूसरी टिप्स की बात कर रहे थे, उसमें आपको क्या करना है कि आपको भी मैक्सिमम गूगल सर्च करना है। जैसे आपको जो नियर बाई था उसका, उसके तो फॉर्म आपको मिलेंगे अगर आपने उसने गूगल सर्वे फॉर्म पार्टिसिपेट नहीं किया है, और आपको भी वो जैसे कि आप नॉर्मली तो करते होंगे गूगल सर्च, और अगर आप नहीं करते तो आप थोड़ा और इंक्रीज हो जाइए गूगल सर्च करने के लिए, और उनमें मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन सर्च करिए। लाइक कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर्च करोगे गाइस तो उससे होगा क्या कि गूगल आपकी भी एक्टिविटी सेव करेगा, एंड देन आपसे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सर्वे देगा। और अगर आपने कोई ऐसा सर्वे किया जो कि आपने कोई स्मार्टफोन का स्मार्टफोन गूगल पे सर्च किया और उसे तुरंत फ्लिपकार्ट से, ब्राउजर की फ्लिपकार्ट से तुरंत ऑर्डर करने पहुंचे, और जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया तुरंत वहां से ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब ये एक्टिविटीज गूगल कर लेता है सेव, तो उसी के रिगार्डिंग फिर आपको सर्वे भेजेगा कि आपको पूछने चाहेगा गाइस कि आपको ये किस तरीके के फोन्स पसंद है, या कुछ भी लाइक कुछ भी हो सकता है गाइस, कोई से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम आपको गूगल सर्च करना है, ठीक है। अब चलते हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक 3 की तरफ। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस टिप नंबर 3। इसमें क्या होता है, सपोज आपको सर्वे मिल भी गए, ठीक है, सर्वे मिल गए, अब मैक्सिमम पीपल्स क्या करते हैं कि पैसे बनाने के लिए जल्दी जल्दी सर्वे को नेक्स्ट कर देते हैं। उससे गाइस होता ये है कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आज की जनरेशन में गूगल इतना अपडेट हो चुका है, इतना फास्ट हो चुका है कि वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि जो ह्यूमन है, जो पर्सन है जो ये सर्वे कर रहा है, वो जेन्युइनली वो सर्वे पढ़ के कर रहा है या फिर पैसे बनाने के लिए ऐसे ही बस मतलब समझ के कर रहा है या कुछ। तो गाइस वो टाइम ड्यूरेशन को डिटेक्ट करता है कि आपने एक सर्वे पे अपना कितना टाइम स्पेंड किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि आपने ये सर्वे अच्छा किया है या नहीं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि हर एक सर्वे पे आपको पूरा ध्यान देना है। लाइक गूगल ये चीज डिटेक्ट कैसे, दोस्तों गूगल क्या करता है कि आपको एक ऐसा हार्ड सा क्वेश्चन देता है जिसमें नॉर्मली गूगल भी जानता है कि इसमें जो सामने वाला पर्सन है उसे लगभग 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट तो लगेगी आंसर देने में, बट गाइस आप क्या करते हो कि तुरंत जैसे ही सर्वे ओपन हुआ और तुरंत क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट, तो इससे वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि इसने सर्वे ये गलत किया है, एंड देन नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि आपको वहां से सर्वे नहीं मिलता। तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसे शॉर्ट आउट करनी है कि आपको हर एक सर्वे को लास्ट तक पढ़ना है और केयरफुली उसे देखना है, और अगर आपको नहीं पढ़ना तो बस थोड़ी देर बाद करना है गाइस, थोड़ी देर बाद क्लिक करना है, मत पढ़ो कोई टेंशन नहीं है, बट जल्दी जल्दी क्लिक मत करो, सर्वे को थोड़ा टाइम दो, उसे ओपन रहने दो, एंड देन फिर आपको क्लिक करो। उससे गाइस होता क्या है कि आपको हाई रेटेड पेड वाले सर्वे मिलते हैं। अब गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको कि सर्वे 0.74 से लेके $1 तक आपको सर्वे देते हैं, ठीक है। तो अगर इसे INR में आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब लगभग 10 रुपए से लेके आपको 70 रुपए से समथिंग सर्वे आपको एक सर्वे का मिलता है, और डिपेंड करता है कि आप सर्वे कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं। सो गाइस ये थी कुछ बेसिक टिप्स, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों अगर आपको सर्वे से रिलेटेड सर्वे करके अर्निंग करनी है तो ये दो वीडियो जरूर विजिट कीजिए, इसमें गाइस ये जेन्युइन वेबसाइट है और हाई पे आउट देती हैं गाइस, एक तो डॉलर देती है एंड एक INR देती है। सो गाइस जरूर चेकआउट करना, और दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट किया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रिसर्च करके आपके लिए लाता रहूंगा। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड बाय बाय।